हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सत्र में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा थर्ड पार्ट है, बाकी जो दो पार्ट है जो कि क्लासेस हो चुकी है तो बेसिक से पढ़ा है, उसको देख सकते हैं। पूरे डिटेल के साथ पढ़ा है उनके जो जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन लोग कहाँ निवास करते हैं, कौन सी कृषि करते हैं, त्यौहार नित्य विशेष, इन लोग की जो देवता वगैरह है इनके बारे में पूरा पढ़ा चुका है। तो जनजाति में यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के, चाहे व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके पीएससी के लिए, चाहे आप एस आई मेन्स के लिए, पीएससी मेन्स के लिए अगर दे रहे हो एग्ज़ाम, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हम सेकेंड पार्ट में 25 क्वेश्चन तक कवर किए थे, हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट। तो क्वेश्चन हमारा 26वां, कोलियर, कोलोरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है। तो ये आपके कोल जनजाति को, हलवा, कोरकू या सभी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कोल जनजाति। तो कोल जनजाति या आपके कोलेरियन और आपके मुंडारी जनजाति, तो आपके किसे कहते हैं, तो कोल जनजाति को ही कहा जाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं। तो आपके कंवर, धुरवा, हल्बा या कमार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धुरवा जनजाति। ये जो जनजाति के लोग हल्बी, हल्बी आपके बस्तर में भी बोला जाते हैं और गोड़ जनजाति में भी बोली जाती है, तो इसको याद रखिए। तो हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में ये आपके धुरवा जनजाति इन लोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है। तो आपके कंवर जनजाति या आपके कोरबा जनजाति, धनवार या बैगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंवर जनजाति। तो कंवर जो जनजाति है इनको मनवार भी कहा जाता है। इन लोग निवास कहाँ करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और आपके रायगढ़ क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के, तो इसको याद रखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कंवर जनजाति। इनके जो प्रमुख देवता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको सगराखंड कहते हैं। इन लोग के प्रमुख देवता है कंवर जनजाति। इन लोग कौन सा कार्य करते हैं, तीन लोग सैन्य कार्य इन लोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। इन जो टोटम जो समूह होता है इसको क्या कहते हैं, तो उसको गोटी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। कार्य पूछे तो आपको सैन्य कार्य करते हैं और इन लोग को जो करो को वंशज इन लोग मानते हैं कंवर जनजाति, तो उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज जो क्वेश्चन आपके सी जी पी एस सी 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंवर जो आपके कंवर जनजाति ही आपके निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है बोला गया है, तो इसको याद रखिए। लास्ट यहाँ पर कई कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर एग्जाम में, तो कंवर जनजाति के निवास क्षेत्र मुख्यतः कौन से जिले में नहीं है, तो रायपुर में, बिलासपुर, सरगुजा या दंतेवाड़ा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा। बाकी जो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा में ये कंवर जनजाति के लोग निवास करते हैं, बाकी जो दंतेवाड़ा है यहाँ पर कंवर जनजाति लोग निवास नहीं करते, तो इसको याद रखिए। इनके जो प्रमुख देवता है इसको मैंने जस्ट पढ़ाया है सगराखंड, इसको कहा जाता है। प्रमुख कार्य इन लोग सैन्य कार्य करते हैं, इसको याद रखिएगा, सैन्य कार्य इन लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति को धनवार भी कहा जाता है। तो आपके सहारिया को, हल्बा, धनवार या बैगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धनवार जनजाति। तो धनवार जनजाति को धनवार भी इसको कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन लोग कहाँ पर निवास करते हैं धनवार जनजाति लोग, तो आपके बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर जिला क्षेत्र में या बिलासपुर संभाग में लोग निवास करते हैं धनवार जनजाति, तो धनवार को ही आपके धनवार जनजाति कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग कौन सा काम करते हैं, तो ये आपके बांस के बर्तन और बांस से रिलेटेड जैसे सूपा, झाड़ू वगैरह, इन लोग बांस से संबंधित इन लोग कार्य करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये आपकी जनजाति के लोग धनुष का भी विशेष महत्व होता है, तो इसको याद रखिए। दो धनुष बना रहता है इन लोग का खास विशेष होता है, और इसका उपयोग जो कि इन लोग विवाह के समय जो लड़का पक्ष हो बराती में इन लोग धनुष लेके जाते हैं, मतलब इन जनजातियों में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कांकेर, तो मैंने जस्ट बताया है बिलासपुर, तो धनवार जनजाति का निवास स्थान बिलासपुर है, इसको याद रखिए। इन लोग बांस के बर्तन बनाते हैं और इन लोग धनुष रखने का भी मतलब इन लोग के मान्यता है, धनुष वगैरह रखते हैं और शादी में
और जो लड़का पक्ष में यहाँ पे बराती में इन लोग धनुष लेके जाती है विवाह के समय, परंपरा है तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो आपके बांसुरी को, डमरू को, मंजीरा को या नगाड़ा को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चिटकुल, जो आपके आदिवासी समाज में जो जनजाति लोग होते हैं चिटकुल जो कुछ कार्य वगैरह होता है जैसे देवी देवता पूजा अर्चना वगैरह करते हैं तो इस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इस वाद्य यंत्र को जो मंजीरा के रूप में इसको उपयोग करते हैं, चिटकुल जो वाद्य यंत्र है आपका मंजीरा है, जैसे पूजा पाठ वगैरह गम्मत वगैरह हो जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जनजातियों में सब देखने को मिलते होते हैं, एक प्रकार के वाद्य यंत्र है चिटकुल, क्वेश्चन पूछा भी गया था इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP करके भी रख सकते हैं। तो किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्थर निकालना है? तो धनवार जनजाति, खैरवार, कोरकू या सहारिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खैरवार जनजाति। तो खैरवार जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय या कार्य समझ सकते हैं, तो इन लोग का जो मुख्य व्यवसाय या कार्य वृक्ष से कत्थर निकालना है, तो इसको याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो खैरवार जनजाति है छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं? तो आपके छत्तीसगढ़ के आपके सरगुजा और आपके सूरजपुर और आपके बलरामपुर बिलासपुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इन लोग का जो मुख्य क्या जो मुख्य जो कार्य है, इन लोग कत्थर निकालने का काम करते हैं, जो आपके कौन से वृक्ष से निकालते हैं? तो आपके खैर वृक्ष से, इन लोग जो कि खैर वृक्ष से कत्थर निकालने का काम करते हैं या व्यवसाय है जो भी समझ सकते हैं व्यवसाय कार्य सब इसी वाले में लोग जो आपके खैरवार जनजाति द्वारा इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रसनामा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो गोंड जनजाति, बैगा, संथाल या उरांव? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति, तो इसको याद रखिएगा। तो रसनामा जो पर्व एक खास करके जनजाति में देखने को मिलता है, तो रसनामा जो पर्व है आपके बैगा जनजाति में देखने को मिलता है। इनका निवास क्या है छत्तीसगढ़ में? तो आपका मैकल श्रेणी के अंतर्गत आपके कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली और आपके बिलासपुर जिला, तो ये इस क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। तो इसको याद रखिए, इन लोग के जो प्रमुख देवता है उसको क्या कहते हैं? बूढ़ा देव। एग्जाम में पूछा है इन लोग के जो प्रमुख देवता है बैगा जनजाति बूढ़ा देव, उसको याद रखिए। जो आपके कौन से वृक्ष में इन लोग निवास करते हैं बूढ़ा देव? साल वृक्ष। साल वृक्ष में इनके जो देवता है बूढ़ा देव, ये साल वृक्ष में इन लोग निवास करते हैं। इनके ऊपर बुक भी लिखी गई है, जो बुक है आपके द बैगास, जो कि आपके वेरियर एलविन द्वारा लिखा गया है, एक द ट्राइबल इकोनॉमी जो कि दयाशंकर नाग के द्वारा इसको लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और इन लोग क्या काम करते हैं? तो बैगा जनजाति जो लोग होते हैं आपके खास करके लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं पुरोहित की तरह, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? तो मुरिया जनजाति, हल्बा, माड़िया, भतरा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन मुरिया जनजाति। तो मुरिया जनजाति में आपके घोटुल पाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ में कहाँ पे लोग निवास करते हैं? तो आपके बस्तर और आपके कोंडा गांव, तो इन क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इनको युवा गृह को घोटुल कहा जाता है, याद रखिए इनके जो युवा गृह है इसको घोटुल कहा जाता है, जो कि एक विशेष सामाजिक महत्व है घोटुल जनजाति में, मुरिया जनजाति में, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग कौन से नृत्य करते हैं? तो इन लोग पुष्पलांग नृत्य इन लोग करते हैं, या पे महिला द्वारा किया जाता है या पुरुष के द्वारा? तो इसमें केवल पुरुष द्वारा इस पुष्पलांग नृत्य को किया जाता है, तो इसको याद रखिए। उन लोग कौन से नृत्य करते हैं? मांदरी नृत्य, ककसार नृत्य, एवालतोर नृत्य और आपके हुलकी पाटा, घोटुल पाटा, ये सब नृत्य इन लोग करते हैं। साथ ही साथ माओ पाटा भी इन लोग करते हैं, मांदरिक नृत्य वगैरह, तो इसको याद रखें। इनके जो पर बुक लिखी गई है, बुक कौन सी है? द मुड़िया देयर घोटुल बुक, किसके द्वारा? तो वेरियर एलविन द्वारा इस बुक को लिखा गया है। मुड़िया जो कि गोंडों की एक उपजाति भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? तो मुरिया, भतरा, हलवा या धुरवा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हलवा जनजाति, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हलवा जनजाति इनका जो निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो बस्तर, कोंडा गांव, कांकेर या आपके बालोद क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। और इन लोग कौन सा कार्य करते हैं? तो इन लोग हलवा जनजाति इन लोग चिवड़ा, पोहा इन लोग बनाने का कार्य करते हैं, तो इसको याद रखिए। और विशेषकर आपके जो हलवा जनजाति है आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति इसको कहा जाता है, साक्षरता प्रतिशत वाला जनजाति इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग बोली की बात करूं
बोली इनकी हल्बी है, तो इसको याद रखिए, हल्पा है तो हल्पी, ऐसे करके रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। तो हल्पा से हल्बी, तो ऐसे करके रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 37 है, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ, जिन लोग ये यहाँ पे निवास करते हैं, तो आपके बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी या आपके कोरिया जिला, इसका सही ऑप्शन हम देखें तो आपके इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर जिला। तो भतरा जनजाति कहाँ पे निवास करते हैं, तो आपके बस्तर जिला में इन लोग निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। इन लोग कौन सा काम करते हैं, तो इन लोग सेवक के तरह इन लोग काम करते हैं, और बोली उनसे भतरी बोली जाती है, इसको याद रखिएगा। भतरा जनजाति में भतरी भतरी भाषा बोली जाती है, तो भतरा से भतरी ऐसे करके रिलेट करेंगे तो जाति से इनकी बोली बन रही है, तो भतरा से भतरी जो बोली है इन लोग जो कि बोलते हैं। और आपकी जो भतरा जनजाति, इन लोग की जो शिकार देवी की पूजा अर्चना कर करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इन लोग का नृत्य की बात करूँ तो इन लोग भतरा नाट प्रसिद्ध है भतरा जनजाति में, तो सभी आपके भाषा से रिलेटेड है, ऐसे करके याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगेसिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता निवास करती है, तो आपके रायगढ़ में, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रायगढ़ और सरगुजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नगेसिया जो जनजाति है रायगढ़ और आपके सरगुजा, तो इन जिलों में नगेसिया जनजाति निवास करती हैं। बोली कौन से बोलते हैं, तो इन लोग कौन सी बोली बोलते हैं, कोई बोली इन लोग बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इसको कोंड जनजाति, खोंड जनजाति के नाम से भी इसको जाना जाता है, सॉरी ये आपका ठीक ठीक कोई जनजाति इन लोग बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और नगेसिया जनजाति आपके इन लोग खास करके किसान होते हैं, मतलब इन लोग खेती किसानी के लोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है, मतलब देवता के रूप में पूजा अर्चना करते हैं, तो बैगा, मुरिया, हल्पा या धुरवा या कमार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बैगा जनजाति में साल वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, देवता की तरफ इन लोग पूजा अर्चना करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जो साल वृक्ष हम निवास करते हैं वो देवता कौन है, तो बूढ़ा देव है, इसको याद रखिएगा। बूढ़ा देव जो है आपके साल वृक्ष में निवास करते हैं, तो इन लोग के प्रमुख देवता हैं बैगा। कहाँ पे निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आपके मैकल श्रेणी के अंतर्गत आपके राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर या आपके कवर्धा, राजनांदगांव साइड इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इनके जो पेय पदार्थ कौन सा है, तो ताड़ी है, याद रखिएगा। इन लोग ताड़ू पेय पदार्थ उपयोग इन लोग करते हैं, मतलब जैसे इन लोग का ताड़ी जो है, मतलब जैसे जूस के तरह इन लोग उपयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर बुक लिखी गई है द बैगास वेरियर एलविन द्वारा, अदर ट्राइबल इकोनॉमी दो दयाशंकर नाग के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सी जनजाति पुष्प पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है, तो कोरबा, कोरकू, खड़िया या कमार, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति में पुष्प पुन्नी कर्मा जैसे इन लोग उत्सव या स्थानीय उत्सव मनाते हैं। खड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ का निवास करते हैं, रायगढ़ या सरगुजा, सरगुजा क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं, तो इनको जातियों से भाषा बनती है खड़िया, याद रखिएगा। तो खड़िया भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। इनके प्रमुख पर्व है आपका पुष्प पुन्नी और कर्मा जैसे इन लोग जो कि स्थानीय उत्सव इन लोग मनाते हैं, तो इसको याद रखिए। इनके जो प्रमुख देवता है उसको बंदा कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, बंदा कहते हैं इनको प्रमुख देवता को। और ये आपके जो कि कोलेरिया जनजाति भी इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है, तो आपके रायपुर में, जगदलपुर या कोरबा में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगदलपुर। तो आपके कौन सी जनजाति, कोटा जाति, तो कोटा जाति द्वारा कोसे के जो कपड़ा होते हैं इन लोग तैयार करते हैं, फिर उसको बाहर साइड भेजते हैं, सप्लाई करते हैं। तो आपके जगदलपुर यहाँ पर अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध लौटावा विवाह पद्धति कौन से जनजाति में प्रचलित है, तो आपके गोड़ में, बैगा, भारिया या कोल जनजाति। तो अब जिन जनजाति विवाह से क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। दूध लौटावा विवाह
दूध लौटावा जो विवाह है आपके कौन से जनजाति में देखने को मिलते हैं, तो ये आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध लौटावा विवाह क्या होता है? दूध लौटावा जो विवाह खास करके गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसमें खुद के जो रिलेटिव होते हैं, तो खुद के रिलेटिव में जैसे आपके ममेरे फुफेरे भाई बहन, इसमें खुद के रिलेटिव अपने जो परिवार वाले हैं तो उन्हीं को यहाँ पे शादी करते हैं। ममेरे फुफेरे भाई बहन जो भी है तो आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलते। एक और विवाह होता है आपका अपहरण विवाह और आपका पायसोतुर विवाह। तो ये भी जो विवाह आपके गोंड जनजाति से संबंधित है, गोंड जनजाति इसको अपहरण विवाह को पायसोतुर विवाह भी कहा जाता है। दोनों सेमी है तो गोंड जनजाति में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो युवक होता है युवती को दुल्हन को अपहरण करके इसमें विवाह किया जाता है। ये आपके दोनों गोंड जनजाति में प्रचलित है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। थैंक यू।